और एक साथ मेरे अन्य हथियार था और दड़ा दड़े परिवार कटी और पांच छह छड़े लगे हैं कितनी गोली लगी तीन चार फायर की है अभी देख लो पचास पाँच है इनके कितने वक्त से हुआ ये साढ़े दस बजे घटना है कहाँ से आए हैं मैं आटिया छोटे से क्या मामला क्या है मामला ये है कि हमारे जीजा जी है नानगाराम जी इनके मतलब पड़ोसी एक भील है उसने क्या कि बंदूक से फायर किए एक पिस्तौल था और एक बंदूक थी इनके पांच छह सिरे लगे हैं ये आपके खेत में काम कर रहे थे वो ज़बरदस्ती दादा के नीचे आया और फायर करने लगा और फायर किए इसने पाँच छः लगे हुए सिरे इसके तो किस तरह की रंजिश थी क्या विवाद किया पहले कोई रंजिश नहीं थी नाम क्या है आरोपी आरोपी का नाम रही राम भिखारम ही पड़ोस पड़ोस में खेल है हाँ उस तरफ उसका है और इस तरफ इनका है पड़ोसी कुछ पुराना विवाद वगैरह नहीं पुराना कोई विवाद नहीं था घटना कैसे हुई मतलब घटना के बाद में क्या क्या हुआ कौन कौन पहुंचा ये आपके हम खेत के अंदर काम कर रहे थे वो जुताई वो करने के लिए कब खेत में काम कर रहे थे वो बोल रहा कि खेत मेरा मैं करना नहीं दूंगा क्या जबकि खेत इनका है और उनके घरों के पास में आया हुआ है और इनका घर थोड़ा दूर है घटना कब हुई उसके बाद में कौन कौन किसने देखा और कौन कौन लेके आया साढ़े दस बजे की करीब घटना हुई थी और उस टाइम मेरे को फोन किया कि तुम लेके आओ मेरे को गोलियां मार दी है कि और वो ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आप फटाफट आओ मेरे को हॉस्पिटल लेके जाओ तब मैं वहाँ गाड़ी लेके गया था और हमने पुलिस को फोन किया पुलिस भी आ गई थी इस मौके पर और एक बंदूक तो उस टाइम बरामद कर लिया और पिस्तौल उसने कहीं गायब कर दिया था वो बरामद हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं किस तरह की बंदूक थी बंदूक बड़ी वाली थी धारदार बंदूक थी बहुत बड़ी वाली मामला दर्ज करवाया आपने मामला दर्ज करवाया हाँ मामला भी छोड़ थाने में करवाया देखिए दो पक्षों में किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई थी तो उसमें से जो एक पक्ष का व्यक्ति था उसने जो छर्रा वाली गन होती है उससे एक व्यक्ति पर चलाई जिससे उसके हाथ पे पांच छह छर्रे लगे उसके चोट आई है शरीर में पुलिस मौके पर पहुँच गई पुलिस ने जो घायल है उसको अस्पताल में एडमिट कराया और मुकदमा दर्ज करा जा रहा है और जो आरोपी है उसको पुलिस ने अभी डिटेन कर लिया है अब नियमानुसार FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी सर जो हथियार था उसे बरामद कर लिया हाँ वो कर लेंगे हम लोग कर लेंगे वो आरोपी आ गया तो हथियार भी आ जाएगा